आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन। दूसरा विकल्प है कि काव्य पाठ का अभ्यास करवाना। और विकल्प तीसरा है कि काव्य के भावों से अवगत करवाना। और विकल्प चौथा है कि काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सस्वर पाठ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्याख्या करना। क्या होता है? व्याख्या करना। तो कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य है काव्य पाठ का अभ्यास करवाना। क्या उद्देश्य है? काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, इसका उद्देश्य होता है। यदि विकल्प में देखें तो मेरा पहला विकल्प क्या है कि काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन। तो काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन करवाना इसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अभ्यास करवाना इसका उद्देश्य होता है। वो तो हमारा विकल्प पहला नहीं होगा। विकल्प दूसरा है कि काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, तो हमारा विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है। और विकल्प तीसरा है कि काव्य के भावों से अवगत कराना करवाना। तो काव्य के भाव से अवगत करवाना तो इसका उद्देश्य है, लेकिन सस्वर पाठ के सोपान का जो उद्देश्य होता है वो अभ्यास करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमारा विकल्प तीसरा नहीं होगा। और विकल्प चौथा है कि काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य नहीं होता है। हमारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः हमारा जो विकल्प दूसरा है वो इसका सही उत्तर है। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।